मान जी साहेब जी, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम दशरथ कर बेटा, दूजे राम घट घट में बैठा, तीजे राम जगत पसारा और चौथे राम जगत से न्यारा। आगे तो मेरे साहब ये भी कहते हैं कि राम नाम हर कोई भजे, ठग उठाई कर चोर। एक ठग भी निवेदन करता है, बाबा दो चार सीधे साधे लोग मिल जाए प्रभु, उनको ठग लो तो मेरा दिन भर का गुजारा हो जाएगा। एक उठाई कर भी प्रार्थना करता है कि बाबा छीन झपट के भागता रहूं प्रभु तो मेरी रक्षा करना। और एक चोर भी सुबह उठ के अगरबत्ती लगाता है, बोले बाबा धंधे में जा रहा हूं जरा ध्यान रखना, एक सुनसान मकान मिल जाए, घर में मकान मालिक न रहे, घर के अंदर बहुत कीमती सामान रहे, और जब हाथ साफ करके लौटता रहूं तो कोई देखता भी ना रहे। हर कोई साहब से गंदगी कर रहे हैं। राम नाम हर कोई भजे, ठग उठाई कर चोर, और ध्रुव प्रहलाद जिस नाम से तर गए वो नाम कोई और। आइए ऐसे नाम वाले राम, ऐसे राम वाले नाम जो दोनों ही एक दूसरे में समाहित हों, ऐसे परमपिता परमेश्वर राम को जपते हैं, भजते हैं। और ये सुपरसोनिक जहाज के जमाने में, रॉकेट के जमाने में हम राम की गाड़ी में बैठने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। आइए निवेदन करते हैं, बाबा हम तेरे गाड़ी में बैठने के योग्य भी नहीं है, हमें होले होले धीरे धीरे पार लगा देना, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। कर ले जतन रखवारी, रखवारी, रखवारी। Oh,
चार जने लगाती उठाए पान साठ की गोली, चार जने मिल अर्थी उठाई बालिका की गोली। आदरणी, यहां जितने लोग बैठे हैं यहां से लेके वहां तक, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। लेकिन हां, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। ये परम सत्य है, ये अंतिम सत्य है, ये कटु सत्य है, ये पूर्ण सत्य है, इससे कोई नहीं बचा है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, गुणी जन कहते हैं कि जिंदगी के हर पल को उत्सव की तरह मनाएं। आज हम उत्सव मना रहे हैं ना, माननीय डीएम साहब के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, तो जो एक पल भी उत्सव का दे उसको कुछ दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। कम से कम डीएम साहब के नाम से अभिवादन के लिए ताली तो बजा सकते हैं। ऐसे नहीं, हम शेर सुना रहे हैं तब ताली बजाएंगे आप। पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, पूरी जिंदगी कम है, पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, कहां से वक्त लाते हैं लोग नफरत करने के लिए। पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, कहां से वक्त लाते हैं लोग नफरत करने के लिए। तो आइए, हम उत्सव मना रहे हैं, मरने के बाद एक खता और करूंगा, मरने के बाद एक खता और करूंगा, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। मरने के बाद एक खता और करूंगा, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। और एक शेर और समाप्त कीजिएगा, आपके लखनऊ के जनाब संजीव मैन कहते हैं, पेड़ पर नए पत्ते छाने लगे, पेड़ पर नए पत्ते, क्या बात है, पेड़ पर नए पत्ते छाने लगे फिर परिंदे लौट कर, क्या बात है, ये नजीर बनारस का सरजमीन है साहब। पेड़ पर नए पत्ते छाने लगे फिर परिंदे लौट कर आने लगे, चंद मुर्दे बैठकर शमशान में जिंदगी का अर्थ समझाने लगे। साहब कैसी अजीब बात है। एक शेर और सुना रहा हूं, डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, मुझको मेरा प्यार पुराना, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, मुझको मेरा प्यार पुराना लगता है, मां की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, मां की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, पर चलते चलते एक जमाना लगता है। लेकिन थोड़ा सा मिजाज को बदल रहे हैं, लेकिन उस विषय वस्तु से हटेंगे नहीं साहब। उस्ताद कमर जलालाबादी साहब फरमाते हैं, हसीन लोग बैठे हैं सामने, खूबसूरत लोग बैठे हैं, इसलिए फरमा रहा हूं, क्यों मैं जी है ना, हाय हाय क्या कहने, परमात्मा आपका मर्तबा और बुलंद करे। कमर साहब क्या फरमाते हैं देखिए, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। और आदरणीय, मेरे पसंद का एक शेर सुनिए, उसके बाद आपके पसंद का सुनाऊंगा। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, दबा के मेरे पसंद का शेर पहले सुना है, गैर की महफिल में तुम न जाओगे, सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे,
कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को। हाय 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 क्या बात है, कुछ सूफी लोग अभी भी हैं इसका मतलब है। ये प्योर सूफी है साहब, किसी ने मुझे कहा था एक आप सूफी शेर सुनाइएगा। शेर सुनिए, कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को, दबा के कब्र पे सब चल दिए दुआना सलाम, दबा के कब्र पे सब चल दिए दुआना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। एक आखिरी शेर सुनाता हूं फिर बशीर बद्र, यहां आंसुओं की सौगात होगी, यहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, क्या बात है, यहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, अभी चंद लम्हों में क्या बात होगी, किसी रोज खुलकर मुलाकात होगी। साहेब जी, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम दशरथ कर बेटा,
दूजे राम घट घट में बैठा, तीजे राम जगत पसारा और चौथे राम जगत से न्यारा। आगे तो मेरे साहब ये भी कहते हैं कि राम नाम हर कोई भजे ठग उठाई कर चोर। एक ठग भी निवेदन करता है, बाबा दो चार सीधे साधे लोग मिल जाए प्रभु, उनको ठग लो तो मेरा दिन भर के गुजारा हो जाएगा। एक उठाईगर भी प्रार्थना करता है कि बाबा छीन झपट के भागता रहूं प्रभु तो मेरी रक्षा करना। और एक चोर भी सुबह उठ के अगरबत्ती लगाता है, बोले बाबा धंधे में जा रहा हूं जरा ध्यान रखना, एक सुनसान मकान मिल जाए, घर में मकान मालिक न रहे, घर के अंदर बहुत कीमती सामान रहे और जब हाथ साफ करके लौटता रहूं तो कोई देखता भी ना रहे। हर कोई साहब से गंदगी कर रहे हैं। राम नाम हर कोई भजे ठग उठाई कर चोर, और ध्रुव प्रहलाद जिस नाम से तर गए वो नाम कोई और। आइए ऐसे नाम वाले राम, ऐसे राम वाले नाम जो दोनों ही एक दूसरे में समाहित हों, ऐसे परमपिता परमेश्वर राम को जपते हैं भजते हैं। और ये सुपरसोनिक जहाज के जमाने में, रॉकेट के जमाने में हम राम की गाड़ी में बैठने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। आइए निवेदन करते हैं कि बाबा हम तेरे गाड़ी में बैठने के योग्य भी नहीं है, हमें होले होले धीरे धीरे पार लगा देना क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। कर ले जतन रखवारी 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 दूर है।
चार जनी मिल अर्थी उठाई बाली काट की डोली। आदरणी यहां जितने लोग बैठे हैं यहां से लेके वहां तक, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन हां आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। ये परम सत्य है, ये अंतिम सत्य है, ये कटु सत्य है, ये पूर्ण सत्य है, इससे कोई नहीं बचा है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, गुणी जन कहते हैं कि जिंदगी के हर पल को उत्सव की तरह मनाएं। आज हम उत्सव मना रहे हैं ना, माननीय डीएम साहब के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, तो जो एक पल भी उत्सव का दे उसको कुछ दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। कम से कम डीएम साहब के नाम से अभिवादन के लिए ताली तो बजा सकते हैं। ऐसे नहीं, हम शेर सुना रहे हैं तब ताली बजाएंगे आप। पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, पूरी जिंदगी कम है, पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए। कहां से वक्त लाते हैं लोग नफरत करने के लिए? पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, कहां से वक्त लाते हैं लोग नफरत करने के लिए। तो आइए, हम उत्सव मना रहे हैं। मरने के बाद ये खता और करूंगा, मरने के बाद एक खता और करूंगा, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। मरने के बाद एक खता और करूंगा, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। और एक शेर और समाप्त कीजिएगा, आपके लखनऊ के जनाब संजीव मयंक कहते हैं, पेड़ पर नए पत्ते छाने लगे, पेड़ पर नए पत्ते, क्या बात है, पेड़ पर नए पत्ते छाने लगे फिर परिंदे लौट कर, क्या बात है। ये नजीर बनारस का सरजमीन है साहब। पेड़ पर नए पत्ते छाने लगे फिर परिंदे लौट कर आने लगे, चंद मुर्दे बैठ कर शमशान में जिंदगी का अर्थ समझाने लगे। साहब कैसी अजीब बात है। एक शेर और सुना रहा हूं, डॉक्टर बशीर बद्र कहते हैं, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, मुझको मेरा प्यार पुराना, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, मुझको मेरा प्यार पुराना लगता है, मां की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, मां की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, पर चलते चलते एक जमाना लगता है। लेकिन थोड़ा सा मिजाज को बदल रहे हैं, लेकिन उस विषय वस्तु से हटेंगे नहीं साहब। उस्ताद कमर जलालाबादी साहब फरमाते हैं, हसीन लोग बैठे हैं सामने, खूबसूरत लोग बैठे हैं, इसलिए फरमा रहा हूं, क्यों महंगे है ना, हाय हाय क्या कहने, परमात्मा आपका मर्तबा और बुलंद करे। कमर साहब क्या फरमाते हैं देखिए, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को,
कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को न जाने कैसे खबर हो गई, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। और आदरणीय मेरे पसंद का एक शेर सुनिए, उसके बाद आपके पसंद का सुनाऊंगा। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, दबा के मेरे पसंद का शेर पहले सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को। हाय 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 क्या बात है, कुछ सूफी लोग अभी भी हैं इसका मतलब है, ये प्योर सूफी है साहब। किसी ने मुझे कहा था एक आप सूफी शेर सुनाइएगा, शेर सुनिए। कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को, दबा के कब्र पे सब चल दिए दुआना सलाम, दबा के कब्र पे सब चल दिए दुआना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। एक आखिरी शेर सुनाता हूं फिर बशीर बद्र, यहां आंसुओं की सौगात होगी, यहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, क्या बात है, यहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, अभी चंद लम्हों में क्या बात होगी, किसी रोज खुलकर मुलाकात होगी।
मोरे राम गाई वाले, मोरे राम गाई वाले, मोरे राम गाई। रंगी को नारंगी कहे और जले दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे के जले दूध को खोया, चलती को गाढ़ी कहे देख कबीरा। अब सज्जनों बताओ, रंगी को नारंगी कहे, नारंगी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं नारंगी? ऑरेंज, यस ऑरेंज, एब्सोल्युटली यू आर राइट। अंग्रेजी जरूर आती है, ऑरेंज, बट ऑरेंज आल्सो कलर। रंगी को नारंगी कहे, जिसका रंग है उसको हम क्या कह रहे हैं? और जो अपना सब कुछ मिटा कर जला करके शुद्ध चीज दे रहा है उसको क्या कह रहे हैं? खोया। जिसका रंग है उसको हम कह रहे हैं नारंगी, जो दे रहा है उसको कह रहे हैं खोया, और जो चल रही है उसको कह रहे हैं गाड़ी। ये देख करके हंसी आएगी कि रोना आएगा सब बताइए। लेकिन खबरदार, हमारे संतों ने जो कहा है वही सही है, वही सही है, वही सही है। इसको समझना है तो हमारे गुरुओं के पास आइए, हमारे संतों के पास आइए, हमारे भारतीय अध्यात्म के पास आइए। भजन करोगे तब समझ आएगी। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये भजन में लाग रहना भाई, सतगुरु पकड़ा हाथ जी मोरा, सतगुरु पकड़ा हाथ जी मोरा, सतगुरु पकड़ा हाथ भजन में लाग रे भाई, भजन में लाग रे भाई, भजन में लाग रे भाई, भजन में लाग रे। आदरणीय श्रोता बंधु, जरा प्यार से सुनना, जरा सा स्लिप होने से सब बात निकल जाएगी। सबसे पहले हम जन्मे जी पाथे बड़ा भाई, Oh,
विज्ञान का युग है, इंटरनेट का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, चांद सितारे में लोग जा रहे हैं। मुझे बताइए कि सबसे पहले मैं जन्मा, उसके बाद मेरे बड़े भाई जन्मे, उसके बाद मेरे पिताजी जन्मे, उसके बाद मेरी माताजी जन्मी। दुनिया में कभी कहीं पर ऐसा हुआ है? नहीं ना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं तो कहां से देखेंगे। लेकिन खबरदार, यही सही है, यही सही है, यही सही है। अंडा था तब बोलता जी, बच्चा बोलत नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इसको गुजरात के कलाकार गाएंगे तो कैसे गाएंगे? राजस्थान के कलाकार गाएंगे तो कैसे गाएंगे साहब? भजन में लागे रहना ए, भजन में लागे रहना बी, भजन में लागे रहना सी। बेटा दो अक्षर पढ़ ले बेटा, एबीसीडी पढ़ ले बे तो काम आई। ए फॉर बी फॉर सी फॉर कैट, गया जमाना बेटा कैट के। सी फॉर छत्तीसगढ़, सी फॉर तो हमारा छत्तीसगढ़ी है। भारतीय बंधु कैसे कही साहेब? भजन में, भजन में भी, भजन में भी जरूर, भजन में लागे रहिबे भाई, भजन में लागे रहिबे भाई, भजन में लागे रहिबे भाई, भजन में लागे रहिबे भाई। ये मोरे सतगुरु पकड़ हाथ जी, मोरे सतगुरु ये मोरे सतगुरु पकड़ हाथ, भजन में लागे।
भजन माँ लागे रहे वे भाई, ये खूबसूरत प्रस्तुति आपके सामने लेकर के आए भारती बंधु, और आपको इसमें चिन्ह देने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं